इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक है बैटिंग करते टाइम बॉल के ऊपर कैसे फोकस करें। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि बैटिंग करते टाइम हमको बॉल दिखाई नहीं देता, हम लोग मतलब बॉल के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते, बॉल धो जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन होता है बैटिंग करते टाइम बॉल के ऊपर फोकस ना कर पाना। तो इसीलिए आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी एकदम 100% सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप बैटिंग करते टाइम बॉल के ऊपर फोकस कर सके, आप अच्छे से बॉल को मतलब शॉट को अच्छे से खेल पाए। दोस्तों, बॉल के ऊपर फोकस ना कर पाना बैटिंग करते टाइम सबसे बड़ा गलती यानी कि सबसे बड़ा जो रीज़न है जो कि बहुत सारे बैट्समैन गलती करते हैं, इसी के वजह से वो बैटिंग करते टाइम बॉल के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, वो है बैटिंग स्टांस में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो बैटिंग स्टांस में क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट से बैटिंग करते हैं, वो बैटिंग करते टाइम कभी भी रिलैक्स माइंड से बैटिंग नहीं करते, यानी कि ठंडे दिमाग से बैटिंग नहीं करते, बस हड़बड़ाहट के साथ बैटिंग करते हैं। या तो ये सोचते हैं कि मैं इस बॉल पे शॉट मारूंगा, छक्का मारूंगा, या फिर वो डरते रहते हैं कि बॉल आके कहीं मेरे को लग नहीं जाएगी, तो इसीलिए बॉल के ऊपर वो फोकस ही नहीं कर पाते, अपने दिमाग में कोई दूसरी बात लेकर वो बैटिंग करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न यही है। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप बैटिंग करते हो एकदम आपको कूल रहना है, बस आपको कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है, जो बॉल आएगी उसी के ऊपर फोकस करना है, आपके दिमाग में कोई भी दूसरा बात उस टाइम पर नहीं चलना चाहिए। तो जब भी आप बैटिंग स्टांस में होते हो एकदम रिलैक्स और कूल रहो, पूरे बॉल के ऊपर फोकस करने की प्रयास करो। दोस्तों, बॉल पे फोकस करने के लिए उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपको आँखों को खुला रखना है। तो बहुत सारे बैट्समैन क्या गलती करते हैं, अपने आँखों को बंद कर देते हैं क्योंकि बॉल से उनको डर लगती है। तो फील्डिंग करते टाइम भी कुछ फील्डर को हम लोग देखते हैं जब वो ग्राउंड फील्डिंग करते हैं आँख बंद कर देते हैं, उनको डर लगता है कि बॉल उनको कहीं हार्ट ना कर जाए, तो इसी डर के वजह से वो भी बैटिंग करते टाइम बॉल को देखते ही नहीं, अपना आँख बंद करके शॉट को खेलते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती है, इसकी वजह से आप कभी भी बॉल को नहीं देख पाओगे और बॉल के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपसे भी अगर ये गलती होता है तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको बॉल को प्रॉपर देखना है। ये तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपको सोल्यूशन करना है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आपको समझना होगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको बॉल के ऊपर फोकस करना है बैटिंग करते टाइम तो आपको बॉल को देखना होगा एंड टाइम तक, जो भी बॉल बॉलर के हाथ से निकल कर आता है उसको अगर आप आँख बंद कर दोगे तो वो दिखाई नहीं देगा, तो आप उसके ऊपर फोकस कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप बैटिंग करते हो अपने आँखों को खुला रखना है, कभी भी अपने आँखों को बंद नहीं करना है बैटिंग करते टाइम। दोस्तों, उसके बाद जो आप कर सकते हो बैटिंग करते टाइम बॉल के ऊपर फोकस करने के लिए, एक और जो ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको आँखों को बड़ा बड़ा करके खोल देना है। तो जब बॉल आपके पास आ रहा होता है तब आपको अपने आँखों को बड़ा करके खोलना है, इस प्रकार से अगर आप खोलोगे तो आपकी फोकस अपने आप बढ़ जाएगी और आपकी आँखें बंद नहीं होगी और बॉल को आप अच्छे से देख पाओगे। तो आप बहुत सारे बैट्समैन को इस प्रकार से करते हुए देखते भी होंगे कि जिस दिन वो अच्छा खेलते हैं अपने आँखों को मतलब काफ़ी बड़ा बड़ा करके शॉट को खेलते हैं। तो आप विराट कोहली को भी देख सकते हैं, तो एमएस धोनी को भी आप लोग देखते थे पहले कि वो जब भी मतलब शॉट खेलते हैं अपने आँखों को बड़ा करके बॉल को कनेक्ट करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे भी अगर आप फॉलो करते हो अपने प्रैक्टिस करते टाइम अपने बैटिंग करते टाइम तो आप बॉल के ऊपर फोकस करने लगोगे। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है, तो जब बॉल आपके पास आता है आप बॉल को मतलब शॉट को खेलने वाले होते हो अपने आँखों को बड़ा कर दो ताकि बॉल को आप अच्छे से देख पाओ, क्योंकि बॉल वैसे भी जोर से आता है, अगर आँखों को छोटा करके खोलोगे तो नहीं देख पाओगे, अगर बड़ा करके खोलोगे तो उसको इजीली देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, बैटिंग करते टाइम बॉल के ऊपर फोकस करने के लिए उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है आपको बॉलर के हाथ के ऊपर आपको मतलब फोकस करना है। जब भी मतलब बॉलर बॉल फेंकने वाला होता है उसके हाथ से निकला हुआ बॉल आपको दिखाई देना चाहिए, तभी आप बॉल के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो सीधा तो जब आप नेट पे प्रैक्टिस करते हो या फिर आप मैच पे जब बैटिंग करते हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप प्रैक्टिस करें बिना वहाँ पर जाके मतलब बॉलर के हाथ के ऊपर फोकस कर लो। तो जब भी आप नॉकिंग करते हो नेट्स में ड्रिल्स करते हो तभी आपको मतलब ये ध्यान देना है कि आपका जो पार्टनर है आपका कोच या फिर आपका दोस्त जब आपको बॉल डिलीवर करता है अंडर आर्म हो या फिर ओवर आर्म मतलब उसके हाथ से निकला हुआ बॉल के ऊपर ही फोकस करके आपको बैटिंग करना है। सिर्फ बॉल को हिट करते रहने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए जब भी मतलब आप प्रैक्टिस करते हो हमेशा बॉलर के हाथ से निकला हुआ बॉल आपको देखने की प्रैक्टिस करना है।
दोस्तों यही थे वो चार प्रैक्टिस जिसे आपको करना है। अगर आप इसे 5 या फिर 10 दिन तक रेगुलर करते हो, प्रैक्टिस करते टाइम या फिर खेलते टाइम, जहाँ पर भी खेलते हो वहाँ इसको अगर ध्यान में रख के आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप यकीनन मतलब बैटिंग करते टाइम बॉल के ऊपर फोकस करने लगोगे। ठीक है, तो बॉल पर फोकस करने के लिए इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ड्रिल्स आते हैं, तो इसके बारे में एक ही वीडियो में अगर हम लोग बात करते रहे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि वीडियो में जो बताऊँगा उतना ज़्यादा आप कर ही नहीं पाओगे। तो इन्हीं चार तरीकों को आप अजमाओ, इसको देखो करके, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है या फिर नहीं करने के बाद कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 100% आपको इन चारों तरीकों से रिजल्ट मिलेगा, आपकी फोकस काफ़ी बढ़ जाएगी और आप बैटिंग करते टाइम बॉल के ऊपर फोकस करने लगोगे। ठीक है, तो इसके अलावा भी हम लोग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस का मतलब प्लान बना के रखा है, तो बहुत जल्द हम लोग उसको भी मतलब आप लोगों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कर देना, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिला आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो कमेंट करके बताना, और आप लोग बहुत दिन से बता रहे थे कि घर में बैटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो प्लान बना के रखा है, बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है, आप वहाँ जाकर हम लोगों को मतलब फॉलो कर सकते हो। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, इम्प्रूव योरसेल्फ एंड एन्जॉय योर गेम। बाकी आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे गुड न्यूज़ आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए बने रहना चैनल के साथ।